नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज पूरे देश में दलित और आदिवासी संगठनों का भारत बंद असरदार रहा। बिहार में बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों के हाईवे और रेल ट्रैक पर उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया, तो राजस्थान में भी प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। दलितों और आदिवासी संगठनों ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनका आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है। इंडिया गठबंधन के अधिकांश दलों ने बंद का समर्थन किया, लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बंद में शामिल लोगों को स्वार्थी बता दिया। हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारा राज तुम्हारा। आरक्षण में वर्गीकरण की इजाजत के फैसले पर गुस्सा आया, दलितों और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद बुलाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दलितों आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। हजारों का हुजूम सड़कों पर उतर आया। पटना में पुलिस ने बंद समर्थकों को काबू करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। पटना में बंद समर्थकों पर लाठीचार्ज में एसडीएम साहब भी पिट गए। गलती से एक पुलिस जवान ने एसडीएम साहब को ही पटाख से लाठी मार दी और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। हालांकि पुलिस वालों ने तुरंत ही पटना सदर एसडीओ श्रीकांत कुंडलीकर पर लाठी चलाने वाले जवान को पकड़ लिया। लाठी के शिकार होने के बाद तीन पुलिसकर्मी एसडीएम को घेर कर चलते हुए नजर आए। खदेड़ दिया है प्रदर्शनकारियों पर। देखिए लगातार जो पुलिस का अब एक्शन शुरू हो चुका है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ में पुलिस ने लाठी चार्ज करके यहां से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। पहले लगातार कोशिश की जा रही थी कि वो बात से मान जाए और लगातार उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके बाद अब पुलिस यहां पे एक्शन में आई है और लगातार उनके बड़े नेता हैं उनके लाठियां बरसाई गई हैं। बिहार के जहानाबाद में भी बंद समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया। पुलिस ने 5 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर जाम हटवाया। हालांकि जाम हटाने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही और दलित समाज एकजुट होकर इस तानाशाही का विरोध करने उतरा है। जहानाबाद के सभी बेरोजगार नौजवान इस बंद में दलितों आदिवासियों का समर्थन कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दलित एससी एसटी को के खिलाफ क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी फैसला दिया था, जिसके विरोध में हम लोग आज पूरे भारत बंद करने का आयोजन किए हैं। दलितों और आदिवासी संगठनों का भारत बंद पूर्णिया में भी असरदार रहा। सुबह से ही भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया, जगह जगह पर टायर जलाकर आगजनी की, शहर के साथ ही बाईपास सड़क को भी जाम कर दिया। पूर्णिया में भारत बंद के दौरान सांसद पप्पू यादव भी सड़क पर उतरे। हजारों समर्थकों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार साजिश के तहत आरक्षण खत्म कर रही है। भारत बंद के दौरान बिहार के कटिहार में प्रदर्शनकारियों ने डीएम का काफिला रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के सामने ही जिला अधिकारी की गाड़ी को घेर लिया। हालांकि जब डीएम मीनेश मीणा ने गाड़ी से उतरकर प्रदर्शनकारियों को समझाया, तब प्रदर्शनकारियों ने उन्हें रास्ता दे दिया।
गोपालगंज में भारत बंद के दौरान सड़क पर उतरे बंद समर्थकों ने स्कूल बस को रोक लिया। आरोप है कि बंद समर्थकों ने बच्चों को लेकर लौट रही महिलाओं और अभिभावकों से बदसलूकी भी। कहा जा रहा है कि जहां स्कूल बस को रोका गया उसके नीचे आग की लपटें थी जिससे बस में आग लग सकती थी। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने एफआईआर दर्ज कर प्रदर्शनकारियों को जेल भेजने के निर्देश दे दिए। 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियम लागू किया गया था हम उसके विरोध में, क्योंकि वो एससी एसटी में सब डिवीजन ला रहा है जिससे हम दोनों में फूट पड़ेगा और फूट पड़ गया, वही आ गया है कि फूट डालो और राज करो, इसीलिए हम लोग आज आंदोलन पे उतरे हुए हैं। संविधान में जो छेड़छाड़ हो रहा है उसके लिए भारत बंद किया है और एससी एसटी में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम बंद होनी चाहिए। आरक्षण में सब कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का सबसे ज्यादा असर बिहार में ही देखा। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास ने भी बंद को नैतिक समर्थन दिया, लेकिन केंद्र सरकार के एक और मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बंद समर्थकों को स्वार्थी बता दिया। भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं तो ये सब स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई की प्रगति नहीं हो ऐसा चाह करके वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि समय की नाजुकता को देख करके हम लोगों ने वर्गीकरण की बात किया। हम लोगों ने लगातार जो है आवाज उठाया, आप ही लोगों ने जब सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था तो हमने ये साफ तौर पे बोला था ये संविधान जो हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण जो प्रावधान किया है इसमें क्रीमी लेयर की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ये तो असमानता जो लोगों में रही है, भेदभाव समाज में रहा है, पिछड़ापन जो रहा है, उस आधार पे ये दिया गया कि सबको एक बराबर है हम लोग, उसलिए ये आरक्षण जो है प्रावधान दिया गया। लेकिन मोदी जी के राज में आप देखिएगा दलितों को बांटा जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी भारत बंद का असर रहा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज अंबेडकर प्रतिमा और परिवर्तन चौक पर दमदार प्रदर्शन किया। बीजेपी पर दलितों और आदिवासियों के आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप भी जड़ दिया। दलित भाई बहन हो, आदिवासी भाई बहन हो, उन सबको कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के रहते हमारे दूरगामी हितों की रक्षा लोग नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं ये आज या भविष्य में हमको नुकसान पहुंचाने की नियत रखते हैं। नहीं तो क्या वजह पड़ी है मुझे बताइए, जब मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री थे 10 साल हमारी सरकार थी, कभी इस प्रकार का इतना बड़ा व्यापक बंद किया किसी भी समय हमने किसी भी समाज में आज। सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में भी भारत बंद के दौरान दलित संगठनों ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया और बीजेपी को आरक्षण विरोधी करार दिया। भारत बंद के दौरान ताज नगरी आगरा में भी दलित संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बंद के समर्थन में बीएसपी और भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट पर अपनी ताकत दिखाई। प्रदर्शनकारियों ने शहर में दुकान बंद करवाई। बंद समर्थकों ने आगरा शहर को नीले झंडों से पाट दिया। हो गया है मित्रों, ना बुलडोजर चल रहा है। प्रयागराज में भी भारत बंद के दौरान दलित संगठनों ने जुलूस निकाला और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताते हुए नारेबाजी की। हालांकि बंद के दौरान प्रयागराज में दुकानें खुली रहीं। देश का, पूरे भारत देश के बहुजन समाज के लोगों का आह्वान है और वो भी आह्वान इस देश में बैठे 85% के खिलाफ काम करने वाली सरकार के खिलाफ आह्वान है जो उन्होंने क्रिमिनल कानून ला करके
माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जबकि इसके रचनाकार इस देश में सेंटर में बैठी हुई सरकार है, सहारा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का लिया है। उन्होंने जो क्रिमिनल एयर का कानून लागू किया है, एससी एसटी के लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया है, बांटने का काम किया है, उसके विरोध में हम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग पूरे भारत में धरना प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखाकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। बिहार यूपी से इतर राजस्थान में भी भारत बंद असरदार रहा। जयपुर में दलित और आदिवासी संगठनों ने शहर में जुलूस निकाला और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान के खिलाफ बताया। राजस्थान के जोधपुर में सुबह से ही कई दलित संगठन सड़कों पर उतर आए। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए बंद समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्थान के अजमेर में भी भारत बंद का व्यापक असर दिखा। सुबह से ही बंद समर्थकों ने शहर में नारेबाजी की और बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया। अजमेर में भारत बंद के दौरान सड़कें सूनी रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।